हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के बारे में, जो बहुत ही सस्ता शेयर है और कोई भी ये शेयर को ले सकता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। डीसीबी बैंक लिमिटेड एक कमर्शियल बैंक है, जहाँ पर सारे जो बड़े से बड़े बैंक में जो काम होता है, वही काम ये बैंक में भी होता है। ट्रेजरी ऑपरेशंस, गवर्नमेंट रिलेटेड काम होता है, उसके बाद कॉरपोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, सारे ऑपरेशंस यहाँ पर भी हैंडल होते हैं। और ये बैंक सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे कि बाकी बैंक काम करते हैं। बस लेकिन बात ये है कि वो बैंक बहुत ही ब्रॉड वे में डेवलप्ड हो चुकी है और ये बैंक को डेवलप होना बाकी है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप अभी इन्वेस्ट करो, उसके बाद जब ये डेवलप हो तो ये आपको कितना रिटर्न कमा के देगी। अब हम फंडामेंटली बात करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,491.56 करोड़। इसका इतना सा ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट लॉट 1, प्राइस बुक प्राइजेस की 0.78, पी रेशो 7.41 और इंडस्ट्री पी ए 29.54। क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर हम इसके इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो बैंक्स बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ब्रॉड और बहुत एक्सपांड ऑलरेडी हो चुकी है, और ये इसका पी रेशो इसलिए कम है क्योंकि ये एक्सपांड नहीं हुई अभी तक। इसका एक्सपांड होना बाकी है, इसकी ग्रोथ बाकी है अभी तक। अब हम बुक वैल्यू देख लेंगे, 102.55 बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तक इसके असेट्स जब इंक्रीज़ होगी, इसकी लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होगी, तब ये नॉर्मल बुक वैल्यू पे आ जाएगा। EPS अर्निंग पर शेयर इसका 10.83, डिविडेंड ये देती नहीं है, इसका फेस वैल्यू 10 है, और जो पुट कॉल रेशियो वो 6.43, और डिलीवरेबल चार्जेस इसके 49.23%। अब हम फाइनेंशियली एक नॉर्मल स्टेटमेंट देख लेंगे। अगर हम रेवेन्यू देखें तो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 32,000 करोड़ था, उसके बाद आप देख सकते हो हर साल सिर्फ इंक्रीमेंट है। 2020 में भी 3.92,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ, और उसके बाद 2017 में जब प्रॉफिट देखें तो 0.19,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, और अगर हम देखें तो 2018 में भी इंक्रीज़ हुआ 0.24,000 करोड़, फिर 0.32,000 करोड़। मतलब हर साल बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 7-8% इंक्रीमेंट दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम 2020 में देखें तो 0.32,000 करोड़ से 0.33,000 करोड़, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि पैंडमिक आ गया था उस वजह से भी, और जो बाकी बैंक से मतलब इसका ग्रोथ हुआ नहीं है, तो लोगों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट इस पे आया नहीं है, तो उस वजह से लोग दूसरी बैंक्स के पास ही जा रहे हैं। तो उस वजह से इनका रेवेन्यू हुआ है, इनका प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन और भी इसके फैक्टर्स है कि क्यों कम हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि ये एक्सपेंस ज़्यादा कर रही है अभी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ों में एक्सपेंडिचर कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत वैसी है, मतलब लाइक प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अच्छी नहीं है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 14.88%। उसके बाद जब आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख लेंगे तो 26.36%, जो बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज है। उसके बाद DIIs है 37.68%, मतलब DIIs और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है उनकी भी 14.43% है। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रमोटर होल्डिंग नहीं बोल सकते, लेकिन जो ओवरऑल होल्डिंग है कंपनी की वो अच्छी है। उसके बाद अदर पार्टीज़ जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उनका 33% उन्होंने होल्ड किया हुआ है। उसके बाद अब हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट देखें तो टोटल इनकम जैसे आप देख सकते हो हर साल इंक्रीमेंट हुआ है, वो हमने वो स्टेटमेंट में भी देखा फाइनेंशियल के बार ग्राफ में। उसके बाद 2018 में अगर आप देखो तो 2,723 करोड़ का
आपको मुनाफा हुआ है। उसके बाद इंक्रीमेंट देखो 3391 और 3927, जहां पर इसके जो इंटरेस्ट अर्नड मतलब कंपनी है यहाँ पे सेल्स क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट ही मिलेगा इनको जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर ये लैंड कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इंटरेस्ट देख सकते हो 2018 में 2412 करोड़ का इनका इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है। उसके बाद 3041 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया और अब 3536 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया है। जो अदर इनकम है ऑब्वियसली बैंक है तो इन्होंने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया ही होगा और कंपलसरी है इनको इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या फिर जो भी दूसरी जगह वहाँ पर इनको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो उसमें भी अगर आप देखो तो इनकी जो अदर इनकम है वो भी इंक्रीज हुई 310 करोड़, उसके बाद 350 करोड़, फिर 391 करोड़। तो ये बहुत अच्छे गुड साइंस है कि हर साल इंक्रीमेंट हुआ है और वो भी अच्छे अच्छे नंबर्स के साथ इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप एक्सपेंडिचर देखो तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कंपनी का अभी ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी अभी लोगों को मतलब ऐसे कंपनी नहीं, ये बैंक का भी ग्रोथ हो रहा है तो बैंक कैसे अभी है ना लोगों को प्रभावित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है उनको, वो है ना अलग अलग स्कीम्स देके, मतलब डेबिट कार्ड है तो उस पर स्कीम्स देके, फिर बाद में अगर करंट अकाउंट्स अगर सेविंग्स अकाउंट है तो उस पर है ना चार्जेस नहीं लेके, तो ये सारी चीज़ें ना कंपनी मतलब बैंक में ज़्यादा हो रहा है तो उस वजह से इनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली अगर कंपनी बैंक अभी छोटी ग्रोथ होना बाकी है और अगर उनको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो उनको स्कीम्स देना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया के लोग कहाँ पे मतलब क्या चीज़ देखते कि कहाँ पे उनको कम भाव में चीज़ें मिल रही, कहाँ पे उनको स्कीम मिल रही, कहाँ पे वो पैसा बचा सकते। तो ये बैंक भी वैसा ही कर रही है, ये स्कीम्स दे रही है लोगों को कि ताकि वो अट्रैक्ट हो उनके बैंक के पास जाए और इन्वेस्ट करे वहाँ पे, तो उस वजह से इनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर अगर आप देखो तो 2198 करोड़ का 2018 में, अभी 2745 2019 में और 3174, बहुत तेज़ी से इनका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो भी इंक्रीमेंट है। उसके बाद अगर हम टैक्स देखें और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। तो जो नेट प्रॉफिट है ओवरऑल अगर हम देखें एक्सपेंडिचर और इनकम में से डिडक्ट करके तो 337 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं 2018 में 245 करोड़ का था, उसके बाद 325 करोड़ और अब 337 करोड़, मतलब 2018 से 19 में बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज़ हुआ है लेकिन 2020 में इतना ज़्यादा अच्छा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अब हम बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर देखें तो 2018 में 8.2 रुपीज़ आप कमा रहे थे और अब आप देखो तो 10.90, मतलब अगर आप देखें तो कांस्टेंट समझ लीजिए, मतलब 18 के बाद इंक्रीज़ हुआ है लेकिन 19-20 में अब कांस्टेंट समझ लिए, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। तो कांस्टेंट रहना भी बड़ी बात है, अच्छी बात यह है कि कम नहीं हुआ है कंपनी में, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो हो सकता है कभी कम हो जाए लेकिन कम नहीं हुआ है। उसके बाद बुक वैल्यू देखें तो वो भी इंक्रीमेंट दिखा रही है तो वहाँ पर भी अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे अच्छी बात क्यों है, क्योंकि इनका जो असेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम ये देखें तो ये भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ डिक्रीज़ लेकिन अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट है, ना इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो इनका डिक्रीमेंट में है, मतलब इनके जो ऑपरेशंस है वहाँ से इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है लेकिन अगर आप देखो तो उतना इन्होंने फैलाया हुआ नहीं है, इसलिए उतना इतने ऑपरेशंस इनके हो नहीं रहे हैं।
तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, है थोड़ा डिक्रीज लेकिन हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी मतलब लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम एवरेज निकालें तो कांस्टेंट ही निकलेगा, क्योंकि न ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है न ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहाँ पर इंक्रीमेंट है 1.88% था और अभी अगर आप देखो तो 2.02% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कंपनी ने जो कंपनी मतलब प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने जो पैसा लगाया है और कंपनी का जो पैसा लगा है उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन असेट्स देखें तो कांस्टेंट है, सिर्फ नॉर्मल वही चल रहा है 0.81, 0.90, 0.87, तो उसी पे न ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है न ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। कासा पर्सन मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैंक्स में ये, तो ये चीज़ इंक्रीज़ ही होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है तो ये नेगेटिव बात है। मार्च 2018 में 24.32% था, मतलब लोग कितने करंट अकाउंट्स कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन करा रहे हैं। तो अगर लोग ज़्यादा ओपन करवा रहे तो ये इंक्रीमेंट में आएगा, लेकिन यहाँ पर लोग इतना नहीं करवा रहे और शायद कोई क्लोज भी करवा रहा हो उस वजह से ये डिक्रीमेंट में आ रहा है। मार्च 2019 में देखो तो 23.94% और अगर 2020 में देखो तो आप 21.46, मतलब बहुत यहाँ पे डिक्रीमेंट आ रहा है तो ये नेगेटिव बात है। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये अगर हम देखें तो मतलब जो कैपिटल है कैपिटल से हम मतलब कितना रिस्क है, कैपिटल अगर हम कंपेयर करें रिस्क से तो यहाँ पर मिनिमम 8% तो बैंक के पास होना ही चाहिए ये रेशो, और उसके बाद इनका थोड़ा सा ज़्यादा है ये रेशो, लेकिन ठीक है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब मतलब इनके कैपिटल से ये अगर हम देखें, यहाँ पर कैपिटल और रिस्क का रिलेशन बताते हैं और इस रेशो से क्या पता पड़ता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कितना अच्छे से वो काम कर रही है और कितना जल्दी वो काम कर रही है ये पता पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेट्रो ब्रांचेस 102, अगर हम बड़ी बैंक से जैसे कि कोटक है HDFC उससे कंपेयर करें तो ये बैंक बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी है, क्योंकि उनके जो ब्रांचेस है वो 1000 lakhs में उनके ब्रांचेस है, लेकिन इसके ब्रांचेस सिर्फ 102 मेट्रो ब्रांचेस है। उसके बाद 82 अर्बन ब्रांचेस है, 86 सेमी अर्बन ब्रांचेस है, 66 रूरल ब्रांचेस है, मतलब इसका ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा बाकी है। तो अगर हम प्राइस के बारे में आगे बात करेंगे, उसके बाद DCB डेबिट कार्ड्स, अगर आप डेबिट कार्ड्स देखो तो यहाँ पर डेबिट कार्ड्स है 5,82,366, ये उतने उनके डेबिट कार्ड्स है, मतलब अगर हम 2020 में अगर हम देखें तो 5,82,366। उसके बाद ये डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रही है, मतलब ये नए नए प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही है जिससे इनका ग्रोथ हो। उसके बाद जो डेबिट कार्ड्स है वहाँ पर ये प्रमोशनल डिस्काउंट्स मतलब और ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन से वो भी जल्द से जल्द ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजीली लोग है ना लोग मतलब यूज़ कर सके, और जो ये बेनिफिट्स कैशबैक बेनिफिट्स भी दे रहे हैं डेबिट कार्ड्स पे। देखा मैंने आपको बोला था ये स्कीम्स दे रहे हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो और इनके बैंक से वो इनके बैंक्स में ओपन करवाए। बहुत अच्छी बात है कि ना जो बैंक है वो एक्सपेंडिचर कर रही है और अपने बैंक को ग्रो कर रही है। उसके बाद प्रमोशनल डिस्काउंट्स देते हैं स्पेसिफिक कैटेगरीज, मतलब जितना स्पेंड करते उस पर डिस्काउंट्स देते हैं, तो ये सब चीज़ें बैंक भी कर रही है साइड बाय साइड बैंक को ग्रो करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है वो। तो अब हम देखें DCB बैंक लिमिटेड का, अगर हम करंट प्राइस देखें तो 80.15 रुपीज़ है, जहाँ पर ये आज 2.03% ऊपर गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप न्यूज़
कोई भी न्यूज़ चैनल आप चला लीजिए, या मतलब आप मोबाइल में न्यूज़ देख सकते हो, तो वहाँ पे देखो तो बैंक्स और फार्मा बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। बैंक्स तो पानी की तरह ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियसली इतना ऊपर जाएगी तो करेक्शन तो आएगा ही, लेकिन आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं क्योंकि डीसीबी बैंक भी ऊपर जा रही है, लेकिन आप इसका 5 ईयर हाई देखो तो 244.65, और ये अपने हाई से बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। अगर आप बहुत बल्क में क्वांटिटी उठाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन जो बैंक से उनका प्राइस अभी बहुत हाई है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी इतना है उनका प्राइस, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए करेक्शन के लिए, और उसके बाद जब नीचे आए अगर ये आपको 65 तक मिलता है तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। तो ये था एनालिसिस डीसीबी बैंक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी एनालिसिस चाहिए, हम तो रोज़ देंगे, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी में चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।